कट स्कूल। फिर भी कुछ चीजें जैसे कि जब हम लोग ट्रेड करने का डिसीजन ले रहे हैं, दो ही चीजें होंगे कि एक किसी स्टॉक को, कोई भी एक स्टॉक या चार्ट कुछ भी व्हाटएवर, हमें ट्रेड करना है उसे। सबसे पहला काम लोगों का होता है एनालिसिस करने का, कि उसको एनालाइज करना है। एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती क्यों है कि उस स्टॉक को हमें ट्रेड करना है फॉर ट्रेड, और एक होता है फॉर नॉट टू ट्रेड। इन दो दो ही कैटेगरी से हम लोग किसी भी चार्ट को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग में, कि क्या उस स्टॉक को ट्रेड किया जा सकता है या फिर क्या ये स्टॉक ट्रेड करने के लायक नहीं है। इतनी सी चीजें होंगी। अगर किसी स्टॉक को ट्रेड करना है तो उसको हम अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तय करते हैं कि हम इसे ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। हमारा अपना क्राइटेरिया क्या है, कुछ जितने भी हमने आपको टूल्स दिए हुए हैं, जितने भी हमने टूल्स दिए हैं, उन टूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास प्री डिफाइंड अपने कुछ लेवल्स होते हैं। उन लेवल्स की इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं एक्चुअली, जो हमने पहले ही आपको बताया हुआ है, उन लेवल्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। वो लेवल किस जगह पर आपको ले करके जा रहे हैं, उस प्लेस की या फिर उस पॉइंट ऑफ एक्शन की, उस जगह की इंपॉर्टेंस होती है, ना कि उस टूल की। टूल में बुलिश बेरिश कॉन्फर्मेशन, डबल बुलिश डबल बेरिश, सॉरी हाँ, बुलिश कॉन्फर्मेशन, बेरिश कॉन्फर्मेशन, सिंगल कैंडल फॉर्मेशन, बीएसए या फिर मदर कैंडल, जो एक्सेल फाइल से हम लोग निकाल रहे हैं, ये सारे टूल हो गए। क्या ब्लाइंडली हम इन टूल्स के थ्रू मार्किंग करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे? नहीं। याद होगा शुरुआत में हमने एक एक्सरसाइज आपको कराई थी जिसके थ्रू आवरली टाइम फ्रेम पर हमने मार्किंग करवाई थी आपसे, तो उसमें क्या था, ब्लाइंडली एक लाइन को, लाइन से हमें ये निकाल लेना होता है कि क्या इस लेवल से हमें ट्रेड करना है, सॉरी कि क्या ये लेवल अपना ट्रेडेबल है या नहीं है, मतलब कि इस जगह पर ट्रांजेक्शन कैसे बन रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि अभी ये ब्लाइंडली हो रहा है शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में, कि अभी तो हम लोग इसको ब्लाइंडली करें और बाद में चल करके इसके कुछ टूल्स दे देंगे। तो अभी तक जितने भी हमने सिस्टम्स आपको दिए ना, टूल्स, वो एज अ टूल काम करेंगे, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें पहुंचना इसी जगह पर है। तो ये जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, एक्चुअली पॉइंट ऑफ एक्शन यही है, और ये जो हम लोग मार्किंग कर रहे हैं, इन मार्किंग्स को करने के जो शॉर्ट्स हमने आपको दिए, शॉर्टकट आप बोल सकते हो, या एज अ टूल, बार बार हम बोलते हैं ना इसको टूल, वो टूल्स हैं जो कि पर्टिकुलर इस जगह पर पहुंचने में और आपकी मदद करते हैं। तो क्या ये ट्रेडेबल है फॉर ट्रेड? अब इसके बाद में एक पॉइंट ऑफ एक्शन हमारे पास निकल आया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, सीधे लोअर टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पर आकर के अपनी एंट्रीज के जो इतने भी क्राइटेरियाज है ना, उसको देख ले रहे हैं। जितने भी फॉर्मेशन हमने आपको बता रखी है एंट्रीज की, आप लोग वो सब देख ले रहे हो, ठीक है। अब एंट्री मिल जा रही है, स्टॉप लॉस भी हमने आपसे बोल दिया स्विंग पर लगाना है, और जितना स्टॉप लॉस होगा उसका आपको जब हम बोलेंगे 1:2 तो जस्ट आपको 1:2 कर देना है, जब हम बोलेंगे 1:2 से 3 तो आपको 1:3 कर देना है। तो सारा गेम बस अपने एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच का जो दूरी है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस पर हम ये क्या बोल रहे हैं कि फॉर ट्रेड फॉर नॉट टू ट्रेड, होता यह है कि 100 ट्रेड एनालाइज करोगे तो मे भी हो सकता है उसमें से 10 ही आप कर पाओ, समझ रहे हो ना। मतलब रोज जो हम एक ट्रेड आपको करके दिखा रहे हैं, या अभी इतने दिन हो गए तो ट्रेड तो बहुत ही कम किया, हमें नहीं लग रहा कि पिछले 10 दिन में हमने 4 ट्रेड भी किए होंगे। उसके अपने कुछ पर्सनल रीजन भी है, अभी मेंटली तौर पर उतना वेल फील नहीं कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा रिलैक्स फील नहीं कर पा रहे हैं, तो कंसंट्रेट करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इसके बावजूद भी कोशिश तो करते ही हैं कि कोई एक अच्छा सिंपल सरप्राइज एक्शन दिख जाए, कि उसको देख करके ज्यादा एनालिसिस ना करनी पड़े, मार दे लेटे हैं या बैठे बैठे बस मोबाइल पर मार दे। एक दो ऐसे ऑप्शन के ट्रेड मार दिए थे शिव जी के साथ में, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये को जैसे बस लेकर के, उसको होल्ड करने का मन नहीं करता, वो बोलते हैं एंट्री बोलो एंट्री कर लो, वो बोलते हैं निकल जाओ तो निकल जाते, सो बहुत ज्यादा दिमाग लगाते नहीं। कुल मिलाकर के हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 100 ट्रेड आप एनालाइज करोगे तो हो सकता है उसमें से 5, 6 या 10 ही आप कर पाओ। तो जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, एक ट्रेड हम कर रहे हैं ना, एक ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है
कि उसके पीछे 10 या 15 चार्ट्स हमारे पास ऐसे हैं कि जिसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं, उसको हटा दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उनको इग्नोर किया, उसके बाद में ये एक स्टॉक ऐसा है जिसको कि हम ट्रेड कर पा रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम 2 या 3 स्टॉक्स ही देख रहे हैं ट्रेड करने के लिए, तो हम क्या देख रहे हैं कि यार 2 स्टॉक्स हैं, इसको हम पिछले आधे 1 घंटे से एनालिसिस कर रहे हैं, तो अभी इसको हम स्किप नहीं कर सकते, ट्रेड तो करना है। अच्छा, ट्रेड करना है तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि एंट्री यहाँ पर है और स्टॉप लॉस के बीच की जो दूरी आती है ना, वो आपकी 0.5 या 0.6% की आ जाती है, बड़ी हो जाती है, लेकिन ट्रेड तो करना ही है, तो आप करते भी हो। इस बीच जो चीज आज हम क्लियर करना चाह रहे हैं, इग्नोरेंस, कोई भी ट्रेड अगर आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो ना, उसको इग्नोर करना ये बहुत बड़ी बात होती है, कि सेक्रीफाइस कर दे, उस ट्रेड को हम नहीं करना। एंट्री हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स पर मार्किंग, पॉइंट ऑफ एक्शन ढूंढ लेना, स्टॉप स्टॉप लॉस निकाल लेना, ठीक है, सिंपल सी चीजें कर लेगा कोई भी। लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद में जब लास्ट स्टेप पर हम लोग पहुंचते हैं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर, वहां पर आकर के जब ये तय करना होता है कि चलो अब इसको नहीं करते, ये डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी भी चीज के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, या फिर बहुत ज्यादा एक एनालिसिस कर लेते हैं, एक टॉपिक को, एक पॉइंट को बहुत ज्यादा देर तक हम देख लेते हैं ना, तो हम उसको फिर भूलते नहीं है आसानी से। ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। मात्र ये एक ऐसा पॉइंट है, मात्र अभी जो हम बोल रहे हैं आपको, अक्सर आपने हमें यह कहते सुना होगा कि ट्रेड करने के बाद एक्चुअल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कि यार हमने एंट्री ले ली, समझिएगा इस चीज को, हमने एंट्री ले ली, अब क्या करें, थोड़ा सा तो प्रॉफिट ऊपर की तरफ गया है, बुक कर ले निकल जाए, अरे ये तो ऊपर जा रहा है, 3,000 का दिख रहा है प्रॉफिट, 4,000 का दिख गया, हमें मालूम है कि हमारे टारगेटेड पॉइंट 1:2, 1:3 के अकॉर्डिंग मिनिमम मान के चल रहे, 1:3 के अकॉर्डिंग मेरा क्या है, 6,000 है, 2,000 का रिस्क है, या फिर 3,000 का रिस्क है, या 5,000 का रिस्क है, 5,000 के रिस्क के अकॉर्डिंग को 15,000 का लेवल टच करना है, लेकिन जैसे 5,000 का मैं 5,000 मिला, तो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 के बाद में हो सकता है वापस से 2 हो जाए, 2 के बाद में 3, और 3 के पास में जाकर के मार्केट आपकी साइडवे हो जाए, और जैसे साइडवेज हुआ वैसे प्राइस और ऊपर की तरफ गया, 5 हुआ, 6, 6, 6, चलो निकल जाते हैं फटाक से। जितनी भी उठा पटक होती है ना, 100% भी अगर हम बोल रहे हैं ना, तो ये 100% भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर जितनी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी ट्रेड्स के अंदर एंट्री लेने के बाद से शुरू हो जाती है। स्टॉप लॉस ये क्या 3,000 का हमने रख रखा है या 5,000 का रख रखा है स्टॉप लॉस, तो क्या होगा, प्राइस नीचे 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 नीचे, अभी टच नहीं किया है, ये कर देगा, ये कर देगा, किया ए ए चलो निकल जाते हैं, जैसे आप निकले वैसे प्राइस ऊपर। क्या चीज हम क्लियर करना चाह रहे हैं, जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये ट्रेड में एंट्री लेने के बाद स्टार्ट होती है, और जिस एक पॉइंट का डिस्कशन अभी हम आपसे कर रहे हैं ना, एकमात्र ऐसी सिचुएशन होती है कि जो कि ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले साइकोलॉजिकल लेवल पर हमें ब्रेक करती है, सिर्फ एक ही चीज होती है, और ये ट्रेडिंग की ही फील्ड में नहीं, ये हर फील्ड में होता है, हर फील्ड में, आप जिस भी फील्ड में, क्योंकि हम लोग एज अ ट्रेडर इस चीज को रोज फेस करते हैं, तो ये हमारे लिए काफी बड़ी होती है। मे भी हो सकता है दूसरे फील्ड के जो लोग हैं वो इतना फेस नहीं करते हों, उनके पास और प्रॉब्लम्स हो, और बड़ी प्रॉब्लम्स हो, ऐसी प्रॉब्लम्स जो उनको, जो वो रोज फेस करते हैं, उनके लिए तो वही प्रॉब्लम बड़ी होंगी। हम इस प्रॉब्लम को रोज फेस करते हैं, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम बड़ी है, और इसको बहुत नजदीक से हमने महसूस किया है। एक स्टॉक को आप यकीन मानो, एक स्टॉक को आप सोने से पहले, कल हमें ट्रेड करना और आज पूरी रात हम बैठ करके एनालिसिस कर रहे हैं कि टाटा स्टील के ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड करना है, पूरी रात देखे, कल पूरे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले हमने देखा, आज क्या हो रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट किया, लेकिन हम देख रहे हैं सारी चीजें सही हैं, लेकिन ब्रेकआउट कर देने के बाद में स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, स्टॉप लॉस अब मेरा 0.8 और 0.9% का आ रहा है, फिर भी क्योंकि हमने इसके ऊपर एनालिसिस बहुत की है, पर करना तो पड़ेगा ही, चलो कर देते हैं। होता यह है कि आप 1:1, 1:1.5 लेकर के निकलोगे, या फिर उसमें स्टॉप लॉस दे करके चले आओगे, जबकि आपको मालूम था करने से पहले कि इस स्टॉक को ट्रेड नहीं करना है। मालूम क्यों था, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें सही होने के बावजूद भी जो स्टॉप लॉस था ना, ये बड़ा था,
ये हमें करना नहीं था एक्चुअली। हमने किया क्योंकि इस स्टॉक को हमने बहुत देर तक एनालाइज किया, अपना समय दिया, कुछ क्या बोलते हैं इसको एक्सपेक्टेशंस लेकर के हमने इस स्टॉक को एनालाइज किया था। अब अपनी आंखों के सामने से जाने नहीं दे सकते, तो करना ही करना है। हम क्या कर सकते हैं ना, ये एक प्रॉब्लम है। अगर हम आपसे बोल रहे हैं ये एक प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन से या परसों के ट्रेडिंग सेशन से आप इसके ऊपर फोकस करना थोड़ा सा स्टार्ट कर दो। इसका कुछ इलाज नहीं है कि हम कोई आपको टेबलेट दे देंगे या कुछ ऐसी ट्रिक दे देंगे कि आप इससे बच जाओगे। नहीं, हम क्या बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर हम हाईलाइट करेंगे तो ये आपकी नजरों में आएगा, तो हो सकता है आप इसको बीट कर ले जाओ। वरना रोज इस चीज से आप उलझते होगे, झगड़ते होगे, लेकिन एक्चुअली के किस चीज से फाइट करो ये समझ में नहीं आता है। कोई भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले इस एक सिचुएशन पर आकर के हम लोग रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। अब से जब ट्रेड करने जाना ना, तो इस एक चीज को सुपरविजन में रखना अपने, इसको ऑब्जर्व करना कि क्या किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले, अगर हम उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, आप देख लेना, अगर किसी स्टॉक एनालिसिस करने में आप ज्यादा समय दे रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दोगे। पिछले 1 डेढ़ 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे से आप जिस स्टॉक एनालाइज कर रहे हो, जितना ज्यादा समय एक स्टॉक के एनालिसिस के ऊपर आप लगाते हो, असल में लास्ट टाइम पर आप उसी उसी स्टॉक को ट्रेड कर देते हो। जाने अनजाने कुछ लोग इस चीज को जानकर भी करते हो, कुछ लोग अनजाने में करते हो, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आप इसको कॉन्शियस लेवल पर नहीं, सब कॉन्शियस लेवल पर आप ये काम करते हो, और बाद में खुद को हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये कहीं से किसी किताब का लिया हुआ ज्ञान नहीं है, या कहीं से हमने पढ़ लिया, कोई हमको बता करके चला गया, इस चीज को हमने खुद ऑब्जर्व किया है ना। ऑब्जर्व करो इसको, आप जितना ऑब्जर्व करोगे इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को, सिर्फ एक इसी सिंगल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को, क्योंकि ज्यादातर जो आती है ये बाहर से, फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद में आती है, उसके पहले नहीं। इसको अपने सुपरविजन में रखना है। बहुत ज्यादा टू मच एक्सपेक्टेशंस हमारे ट्रेड्स को खराब करते हैं। टू मच टाइम फॉर एनालिसिस, एनालिसिस करना अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करो एक स्टॉक के ऊपर, ज्यादा समय तक एनालिसिस करो। क्योंकि एक स्टॉक के ऊपर ज्यादा समय तक एनालिसिस किए, तो इस वजह से हमें उसको ट्रेड करना ही करना है। इस एक बात को अपने ऊपर हावी मत होने दो, इग्नोर भी करना सीखो। टाइम दिया, चलो हटो, दूसरा देखेंगे। ये हुआ, नहीं समझ में आ रहा, चलो हटाओ, निकालो इसको, दूसरा देखो, हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है, बाय बाय बोल दो उसको। बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली ये करना, और यहीं पर हम लोग गिरते हैं आकर के। सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स, या जो भी अपने ट्रेड्स के कंफर्मेशंस नहीं होने के बावजूद भी, सिर्फ इसीलिए हम लोग ट्रेड कर देते हैं। इस एक चीज से बचना है ना, इस एक चीज से बचना। मोरल ऑफ द स्टोरी, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स को आप टाइम दो एनालिसिस करने की, लेकिन उस टाइम को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हो सकता है 4 घंटे के बाद में, 4 घंटे 10 मिनट जैसे हो, तो 10वें मिनट पे आपको कुछ एक ऐसी चीज मिले कि समझ में नहीं, फिर कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाए कि नहीं इसको नहीं कर सकते, उसको हटा दो, उसको इग्नोर करो, है ना। तो इस चीज को याद रखना है, ज्यादा समय आप जिस स्टॉक को ट्रेड करने के लिए दोगे, लास्ट में आप उसी स्टॉक को ट्रेड कर दोगे। जबकि 80-90% ऐसा स्टॉक जिस पर भी लास्ट में आकर के हम लोग इनडिसीजन के मोड में चले जाते हैं ना, वो स्टॉक एक्चुअल में ट्रेड करने लायक होता नहीं है, और बाद में हम लोग आकर के फंसते हैं कि यार इसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमने यार गलत कर दिया, नहीं करना चाहिए था, कैसे हो गया, हमें तो कुछ आता ही नहीं, या हमने जो सीखा वो अच्छा नहीं सीखा, हमें जिसने सिखाया उसने अच्छा नहीं सिखाया, या मेरे फ्रेंड ने बोला और हमने कर दिया, या किसी दूसरे ग्रुप से हमको पता चला हमने कर दिया, फिर अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, खुद के ऊपर ब्लेम नहीं डालेंगे। सिर्फ एक लेक्चर ही है जो भी हम आप लोगों से बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, ये सिर्फ एक लेक्चर ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन इस छोटी सी बात से आपका, मेरा ऐसा ख्याल है कि आप अपना ट्रेड स्ट्रांग कर सकते हो, बाकी आप लोगों के ऊपर। चलें, ये चीज हो गई। अब आते हैं हम लोग, देखिए आरआर रेशियो सबसे बड़ा यही मैटर करता है स्टॉप लॉस के लिए,
कोशिश हमेशा ये करना जो अभी तक हमने आपको बताया ना, लेस देन 0.5% का एसएल जिस स्टॉक के अंदर आपका आएगा, आप ऐसे स्टॉक को ट्रेड करोगे, लेस देन 0.5% स्टॉप लॉस एसएल आप ऐसे स्टॉक को ट्रेड करोगे। और नॉट टू ट्रेड की कैटेगरी में सारी चीजें होती है, मतलब आप ये मान करके चलो ये जितनी भी चीजें ना, एंट्री स्टॉप लॉस ये सब कुछ सारी चीजें एज इट इज वैसे ही हम उठा करके इस साइड भी रख देंगे। ये टूल्स है, पॉइंट ऑफ एक्शन है, लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह जितनी भी एनालिसिस, वो सारी के सारी यहां पर आ जाएंगे। बट क्या होगा, स्टॉप लॉस बड़ा होगा, स्टॉप लॉस बड़ा होगा, हम ऐसा स्टॉक छोड़ देंगे, हम उसे ट्रेड नहीं करेंगे। एक स्टॉक को कब ट्रेड करना है कब ट्रेड नहीं करना है, ये एक्चुअली इसी में का हम बोल सकते हैं, ये तो चीज हमने ये तो बता चुके हैं ना कि एक स्टॉक को ट्रेड कब नहीं करना होता, वो तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये आप समझ सकते हो उसका एक ट्रेड को इग्नोर करने का कुछ एक 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 पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं। सारी चीजें सही होने के बावजूद स्टॉप लॉस अगर छोटा आ रहा है, अगर सॉरी स्टॉप लॉस अगर बड़ा आ रहा है तो उसको फिर इग्नोर मार दो, ट्रेड्स को इग्नोर करो, नहीं समझ में आ रहा है इग्नोर मार दो, हटो। एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए आपको बहुत सारे अच्छे सॉरी एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए बहुत सारे ट्रेड्स आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। स्विंग के लिए सिस्टम एक बता देंगे, उसको अप्लाई कर दीजिएगा। फिक्स्ड मनी टाइप का होता है ना, मार्केट से फिक्स मनी निकालेंगे, उतना फिक्स्ड ही रहेगा अपना। स्विंग ट्रेड का जो सिस्टम बताएंगे ना, उसको एज इट इज फॉलो कर देना। अक्षय मैं कन्वर्ट कीजिए अपना। नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार अक्षय, टोटल ट्रेड बताइए इस वीक कितने हुए, पांच ट्रेड सर, स्टॉप लॉस कितने गए? वेरी एक भी नहीं। शुक्रिया। गुड, टोटल 5 ट्रेड, स्टॉप लॉस 0। ठीक है अक्षय, अच्छा है। अमरजीत माइक अनम्यूट कीजिए। अमरजीत माइक अनम्यूट कीजिए, हाँ सर, टोटल ट्रेड बताइए इस वीक, हाँ सर, थ्री सर, टोटल ट्रेड बोलिए। 3। थ्री, स्टॉप लॉस कितने का है? एक सर 1। जी। ओके ठीक है। गोविंद माइक अनम्यूट कीजिए अपना, जी सर, टोटल ट्रेड बोलिए इस वीक। पांच किए सर। 5। हाँ, ओके एक स्टॉप लॉस गया, चार टारगेट आ 1 एसएल गया। गया। ओके अभी एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। गोविंद प्रकाश माइक अनम्यूट कीजिए। फॉरेक्स मार्केट में किया ना सर, मैंने चार स्टॉप लॉस भी लगाया। टोटल कितने की? 4। एसएल एसएल कितने गए हैं? नहीं है सर, 4 ट्रेड किए, 4 के 4ों में स्टॉप लॉस गया है। नहीं, एक भी एसएल नहीं गया है। ओके ओके ओके, 0 स्टॉप लॉस। जीरो सर। ओके ओके प्रकाश, थैंक यू, वेरी गुड, अच्छा है, बढ़िया। रोहित माइक अनम्यूट कीजिए। यस सर। टोटल ट्रेड बोलिए रोहित। सर 2 ट्रेड लिया ओनली, एसएल एसएल सर, एक मैं भी नहीं गया। वेरी गुड, अरे वाह, लास्ट वीक भी आपने 4 किए थे 0 स्टॉप लॉस के साथ। यस सर, यस सर। अमरजीत ने लास्ट वीक किए थे 4 ट्रेड, 3 एसएल गए थे, और इस वीक 3 ट्रेड 1 स्टॉप लॉस। अमरजीत अच्छा है, बढ़िया है। गोविंद साहब का लास्ट वीक भी अच्छा था, अक्षय का लास्ट वीक भी बढ़िया था। प्रकाश, प्रकाश ने लास्ट वीक 3 किए थे, 2 स्टॉप लॉस दिए थे, अब की बार 4 के 0 स्टॉप लॉस, वेरी गुड, अच्छी ग्रोथ है। रोहित श्रीकांत माइक म्यूट कीजिए। श्रीकांत माइक म्यूट कीजिए अपने। श्रीकांत माइक म्यूट कीजिए अपना।
हेलो सर, हाँ श्रीकांत, टोटल ट्रेड बोलिए। सॉरी सॉरी सर, थोड़ा नेट नेट का प्रॉब्लम था कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टोटल ट्रेड सर। बोलिए। ये हफ्ता एक ही ट्रेड लिया था क्योंकि थोड़ा ऑफिस में थोड़ा काम था, बाहर गया था, पर वो टारगेट हिट हुआ था सर। लास्ट वीक आपने 3 किए थे, इस वीक 1 किया। एक के केस चल गया था लास्ट वीक। ज्यादा ट्रेड करिए, ज्यादा करिए, ज्यादा। हाँ सर, मैं कोशिश तो सर कर रहा हूँ सर। चलिए माइक, अक्षय अक्षय माइक अनम्यूट कीजिए अपना। अच्छा आपका हो गया ना अक्षय, हो गया। हेलो सर। ठीक अक्षय, हाँ हो गया, हो गया आपका, हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक यूजर अपने पास है, ना ही तो हमें इनकी प्रोफाइल पिक दिख रही है और ना ही इनका नाम दिख रहा है, सिर्फ इनकी प्रेजेंस दिख रही है। आप अपना माइक कम्यूट कीजिए, अदरवाइज हम आपको यहाँ से भी रिमूव करते हैं। हमें आपका नाम शो नहीं हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ओके ठीक है, तो आज का डिस्कशन किससे कर सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस तो सभी अपना सेव करके लेके गए हैं, एक से ज्यादा स्टॉप लॉस गया ही नहीं। और इस वीक किसका स्टॉप लॉस गया है, सिर्फ अमरजीत और गोविंद का, बाकी किसी का एसएल नहीं गया है एक्चुअली। ओके तो अमरजीत, अमरजीत माइक कम्यूट कीजिए अपना। हेलो गोविंद साहब, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी सर, स्टॉक का नाम बोलिए, स्टॉप कौन सा? हाँ स्टॉप लॉस वाला, इंडिया सीमेंट। हाँ इंडिया सीमेंट। इंडियन सीमेंट, लेवल बोलिए अपना, हायर टाइम फ्रेम का 187.70। 187.70। डेट क्या थी? सर 6 तारीख को। सिक्स सिक्स हाँ ठीक है। क्या किया था इसमें, मैं सेल किया था कहां पर? ठीक पीछे सर, कहां पर सेल किया था? थोड़ा पीछे सर, 6 को ही किया था ना अपने ट्रेड? हाँ छह कोई क्या भाई, हाँ तो 6 में, ये तो चार्ट तो 6 का ही है ना। कहाँ पर शॉर्ट मारा था आपने, हमें बताइए। पीछे पीछे ले लो सर, 10 बजे पीछे ले जाएं? नहीं, इसी इसी डेट पर सर, 10 बजे के। अच्छा 10 बजे, 10 बजे क्या देखा आपने यहाँ पे? उसके बाद वाली सर, उसके बाद वाली। यहाँ पर हाँ वही,
इस जगह पर। अच्छा नहीं सर, पीछे और थोड़ा पीछे। हाँ उसके, हाँ वही वाला। ओके, जाने दीजिए, है ना, नेचुरल है। जाने दीजिए, नेचुरल है, ठीक है ना। गोविंद जी, हमारा, हम भी अगर होते तो मैं भी, हमारा भी चला जाता स्टॉप लॉस, ठीक है ना। जाने दीजिए उसको। बाकी तो सब में टारगेट हाँ सही है, कुछ बहुत बड़ा वो नहीं, नेचुरल स्टॉप लॉस है, जेन्युइन है, जाएगा। ऐसे ही ट्रेड्स होंगे जिसमें स्टॉप लॉस जाएगा। अमरजीत, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। अमरजीत, अमरजीत, अमरजीत जी, हाँ सर, हाँ, हाँ सर, स्टॉप लॉस किस में गया था? एयरटेल में सर। भारतीय एयरटेल, डेट बोलिए, प्राइस। 5 तारीख सर, 65.6 65.6, क्या बोल रहे हो आप? सर। 765.6, यही है। अमर जी, आप, अमरजीत जी, आपके नेटवर्क हमें लग रहा है बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। 5 तारीख को आपने स्टॉप लॉस दिया है, डे टाइम फ्रेम का लेवल ये है, 5 को किया है तो। अमरजीत, हमें एक बार डेट और बता दीजिए, 6 को किया है या 5 को किया, हम कंफ्यूज हो गए। लीजिए, कट हो गया, नेटवर्क इशू है उनके। आई थिंक 6 को किया है शायद। छे को गए हैं स्टॉप लॉसेस, 6 को तो हम ट्रेड भी हमने नहीं किया था, 2 स्टॉक दिए थे ट्रेड करने के लिए, शायद निफ्टी, क्या बोलते हैं, रिलायंस भी दिया था। निफ्टी ने गड़बड़ की थी, पूरे दिन साइडवे रहा था, पूरे दिन सिर्फ स्टॉप लॉस लिया लोगों का। माइक म्यूट कीजिए प्रकाश जी। सर मैं ये कह रहा था आपसे कि आपने 3 स्कैनर लिए थे, तो एक तो मदर कैंडल के लिए था उसमें, बाकी 2 स्कैनर का सर समझ नहीं आ रहा।